राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 में अंकित कंडिकाओं से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त की जाए, साफ तौर पर लिखा गया, जिससे आम व्यक्तियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 का कार्यान्वयन सुगमता पूर्वक निर्धारित समय के अंतर्गत संपन्न हो सके। ये राज्य सरकार ने साफ साफ तौर पर लिख करके संसूचित कर दिया है कि 2010 पर ही होना चाहिए। विदित हो कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 को तैयार करने के संबंध में अनुसूचियों के माध्यम से सभी व्यक्तियों से जानकारी सूचना एकत्र करने हेतु पूछे जाने वाले प्रश्नों का विवरण अभी केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, जिसकी चर्चा हुई है अभी वो अधिसूचित नहीं है। अतएव अनुरोध है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर की सूचना का समावेश करते हुए पूर्व में संपन्न किए गए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 के विहित प्रपत्र में अंकित मदों पर ही शेष सूचनाओं का संग्रह किए जाने के संबंध में अधिसूचना करने की का सरकार का भी, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है भाई। तो अध्यक्ष महोदय, हम कहेंगे कि जो राज्य सरकार सुन लीजिए राज्य, एक मिनट सुन, अरे हमारा प्रस्ताव तो सुन लीजिए तब बोलिएगा। हम तो अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि जो राज्य सरकार के द्वारा कम्युनिकेट किया गया है उसको यहाँ से सर्वसम्मति पारित कर दिया जाए, और इसको भी विधानसभा के माध्यम से भी संसूचित कर दिया जाए वहाँ। ये सब लोगों की राय है, ये तो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर चुके हैं। आपका जो प्रस्ताव है उसमें यह भी जुड़ जाए, जिसके बारे में आपने सार्वजनिक रूप से घोषणाएं की हैं, कि एनआरसी भी हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। तो एक तो एनपीआर के संबंध में जितनी बातें थी उसकी हमने जानकारी दे दी, अब जहां तक एनआरसी का संबंध है एक बात जान लीजिए। मैं तो नहीं, देखिए आप कौन किन्होंने बयान दिया, हम लोग पूर्व से कह रहे हैं कि एनआरसी की कोई बात नहीं है, और इसके बारे में विस्तृत चर्चा किए बगैर हम सिर्फ प्रधानमंत्री जी को कोट कर देते हैं। 22 दिसंबर 2019 को दिल्ली में उनका भाषण है, मैं भारत के 130 करोड़ लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब से 2014 से मेरी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक एनआरसी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। हमें इसे सिर्फ उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु असम में लागू करना था। एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है, ये कांग्रेस के जमाने में बना था, यह खाली कोट कर रहे हैं। तब सोए थे क्या? हमने तो बताया नहीं, यानी एनआरसी के संबंध में पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं, हवा खड़ा किया जा रहा है। आप बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनआरसी के बारे में कोई निर्णय नहीं है, तो फिर एनआरसी के बारे में क्यों चिंता करते हैं? एनआरसी की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन हम एक जानकारी के लिए, भाई आप लोग जब एनआरसी की, देखिए भाई कौन क्या बोले, हम तो आपको कोट कर रहे हैं। ये जो कोट किया हमने, और हम लोग शुरू से, हम लोगों की भी राय है कि एनआरसी का कोई तुक नहीं है। हालांकि एनआरसी के लिए अमेंडमेंट पहले हो चुका है।